एक स्टार। थैंक यू। स्पिरिचुअलिटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आप लोग अगर सोच रहे हो लेकिन हमें तो कोई इंटरेस्ट है नहीं इसमें, है ना? आप कह रहे हो स्पिरिचुअलिटी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पता है इंटरेस्टिंग टॉपिक क्यों है? क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में बहुत कंफ्यूजन है और लोगों को मजा किसमें आता है? कंफ्यूजन में। जब हम स्पिरिचुअलिटी के बारे में सुनते हैं ना, एक थॉट आता दिमाग में, स्पिरिचुअलिटी का मतलब गंभीर, मतलब आप स्पिरिचुअल हो इसका मतलब आपको गंभीर रहना पड़ेगा, आपको हमेशा ऐसे रहना है, आप अपनी मर्जी से हंस नहीं सकते, आप अपनी मर्जी से कुछ खा नहीं सकते, आप कुछ बात नहीं कर सकते। ये एक इंपैक्ट है। और अगर कुछ लोग स्पिरिचुअली इंक्लाइन है भी, उनका भी जो फेथ है इतना स्ट्रांग नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, एक बार एक गांव में एक स्पिरिचुअल लीडर को बुलाया गया। तो स्पिरिचुअल लीडर स्टेज पे चढ़े और स्टेज पे चढ़ के उन्होंने ऑडियंस से एक क्वेश्चन पूछा, आप में से कितने लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हैं? अब गांव के भोले भाले लोग, बहुत अच्छी श्रद्धा थी उनकी, सबने हाथ खड़ा किया, हम सब बिलीव करते हैं। वो लीडर कहता है, जब आप सब स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते ही हो, मैं बोल के क्या करूंगा फिर, मैं तो जा रहा हूं यहां से। वो चले गया। अभी ऑर्गेनाइजर सोच रहे हैं, लीडर चले गया, इतना बड़ा अरेंजमेंट कर रखा है, कौन करेगा? दो लोग गए और लीडर के पीछे और कुछ लोग ऑडियंस को समझाते हैं कि अब अगर लीडर पूछे ना कि स्पिरिचुअलिटी पे कौन बिलीव करते हैं, कोई हाथ मत खड़ा करना। सारे गांव वाले कहते ठीक है। अब लीडर दोबारा चढ़ता है स्टेज पे, पूछता है आप में से स्पिरिचुअलिटी पे कौन कौन बिलीव करते हैं, किसी ने हाथ नहीं खड़ा किया। लीडर कहता है, जब आप लोग स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव ही नहीं करते, मैं बोल के क्या करूंगा, मैं तो जा रहा हूं यहां से। वो फिर चले गया उठ के। अभी ऑर्गेनाइजर कंफ्यूज, कह रहे हैं ये तो बड़ी दुविधा की बात है। ऑर्गेनाइजर अब की बार चढ़े, उन्होंने लेफ्ट साइड वालों को बोला, देखो आप लोग हाथ खड़ा करना, और राइट वालों को बोला, देखो आप लोग हाथ मत खड़ा करना। तो लीडर तीसरी बार स्टेज पर चढ़ता है और सेम क्वेश्चन पूछता है, आप में से स्पिरिचुअलिटी पे कौन बिलीव करते हैं? लेफ्ट साइड वाले क्या करते हैं? हाथ खड़ा करते हैं। और राइट साइड वाले हाथ खड़ा नहीं करते। तो लीडर कहता है ठीक है, जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में पता है वो उनको बता दो, जिनको स्पिरिचुअलिटी के बारे में नहीं पता, और मैं तो यहां से जा रहा हूं। अब यही है, स्पिरिचुअल टॉपिक आते ही ना हम लोग सोचते हैं कि मतलब बहुत ही ग्रेव गंभीर, बस मेरे को अपनी कुटिया में रहना पड़ेगा आराम से। इट इज नॉट लाइक दैट, ये ऐसा नहीं है। स्पिरिचुअलिटी मनुष्य को मनुष्य की तरह जीना सिखाती है। स्पिरिचुअलिटी हमें हंसना सिखाती है, मुस्कुराना सिखाती है। आप सोचेंगे नहीं, हंसते मुस्कुराते तो हम बहुत अच्छा है, हमारी फोटोग्राफ भी बहुत अच्छी आती है, सेल्फीज भी बहुत अच्छी आती है, वी आर सेल्फी किंग्स, बहुत अच्छी आती है। लेकिन एक्चुअली स्माइल का मतलब पता क्या है? जब लाइफ में वीक मोमेंट्स हो, चैलेंजिंग सिचुएशन हो, उन सिचुएशंस में भी क्या करना? स्माइल करना। और ये स्पिरिचुअलिटी टीच करती है। एक स्टोरी से सुनाता हूं आपको। एक बार एक किसान, मतलब यूजली अगर हम किसान बोलते हैं तो फिर हमारे अंदर ये एक टर्मिनोलॉजी आती है कि किसान मींस गरीब। तो अब उसी को लेकर चलते हैं कि चलो एक किसान था जिसके पास बहुत ज्यादा धन नहीं था। अब ये किसान क्या करता है, ये अपने खेत में एक दिन खड़ा होता है और एक घोड़ा अचानक से उसके खेत में आ जाता है। बाकी सारे फार्मर्स आते हैं वहां पर, बाकी फार्मर्स कहते हैं, अरे आपके साथ तो बहुत अच्छा हुआ, आपको एक इतना सुंदर घोड़ा मिल गया, यू आर सो लकी। वो किसान कहता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो भगवान जानते हैं। अब कुछ दिनों के बाद वो जो घोड़ा था ना वहां से भाग जाता है। अभी फिर वही किसान आते हैं, वो किसान कहते हैं, देखो आपके पास इतना सुंदर घोड़ा आपको मिला था, सफेद रंग का, कितना सुंदर था, वो भाग गया, कितना बुरा हुआ आपके साथ। ये पहले वाला किसान फिर सेम चीज रिपीट करता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये तो भगवान जानते हैं।
अब दो चार दिन के बाद वो जो एक सफेद रंग का घोड़ा था अपने साथ 18 और घोड़े ले आता है। तो अब कितने हो गए घोड़े? 19। बाकी सारे किसान आ जाते, कहते वाह कितना अच्छा हुआ आपके साथ, इतने घोड़े आपको मिल गए। और ये किसान सेम चीज रिपीट करता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये भगवान जानते हैं। अब कुछ दिनों के बाद उस पहले वाले किसान का बेटा एक घोड़े के ऊपर घुड़सवारी कर रहा था और घुड़सवारी करते हुए नीचे गिरा, उसकी पांव की हड्डी टूट गई। बाकी सारे किसान कहते हैं देखो कितना बुरा हुआ आपके साथ, आपके बेटे की पांव की हड्डी टूट गई। और ये किसान फिर सेम चीज रिपीट करता है, क्या अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये कौन जानते हैं? भगवान जानते हैं। अब थोड़े दिनों के बाद उसी स्थान पर साथ वाले राजा के साथ एक लड़ाई छिड़ गई और उस जगह के राजा ने ऑर्डर दिया जितने लड़के हैं जितने यंग हैं सबको उठाकर ले आओ, सेना के भाग बनेंगे। तो सबके घरों से लड़कों को उठाकर ले आते हैं, सिर्फ एक लड़के को नहीं लेके जाते। कौन था वो? हाँ, तो बाकी सारे किसान फिर सेम चीज रिपीट करते हैं कि देखो हम सबके बच्चे तो चले गए, कितना अच्छा हुआ कि आपका बेटा आपके पास है। लेकिन ये किसान फिर सेम चीज रिपीट करता है, अच्छा हुआ या बुरा हुआ ये भगवान जानते हैं। अब ये बात मैं तब क्यों बता रहा हूं, मैं आपको दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस देखिए। पहले वाला जो था किसान, ये गॉड बिलीवर था, स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करता था। दूसरे वाले जो थे वो थोड़े मटेरियलिस्ट थे, वो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव नहीं करते थे। अब जो स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करने वाला था ना, वो हर प्रॉब्लम की सिचुएशन में क्या करता था, शेल्टर ले लेता था। जैसे अभी तो सभी आप यूथ हैं यहां पर मैक्सिमम, जब छोटे बच्चे थे ना तो कोई भी छोटी सी होती ना, कुत्ता भी पीछे पड़ जाता था तो पिताजी के पीछे चले जाते थे। ऐसा लगता था पिताजी क्या कर लेंगे, मुझे बचा लेंगे, एक शेल्टर होता था। उसी तरीके से जब हम भगवान की शेल्टर में जाते हैं, जब हम स्पिरिचुअलिटी को एक्सेप्ट करते हैं, ये एक्सेप्ट करने से हमारे अंदर सिक्योर फीलिंग आती है। और प्रेयर्स हमारी बहुत हेल्प करती है। एक इंग्लिश सेइंग है, प्रेयर्स गोस अप एंड ब्लेसिंग्स कम्स डाउन। एक प्रेयर्स के कॉन्टेक्स्ट में छोटा सा कुछ सुनाता हूं आपको। एक बार एक व्यक्ति सो रहा था और सोते सोते उसके सपने में भगवान आते हैं और भगवान कहते हैं वो एक बहुत बड़ा पत्थर है, उस पत्थर को क्या करना है आपको, धक्का मारना है, पुश करना है उसे। ये कहता है ठीक है। ये अगले दिन सुबह सुबह उठता है, उस स्थान पर जाता है और उस बड़े पत्थर को धक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। सेकंड डे फिर जाता है, उस पत्थर को धक्का मारता है लेकिन पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। ऐसे ही वो एक दिन दो दिन एक साल दो साल दस साल बीस साल तीस साल तक करता रहता है, लेकिन पत्थर एक इंच भी नहीं हिलता। अब इस बात पे जो व्यक्ति था ना बहुत ही मायूस हो जाता है, कहता 30 साल से धक्का मार रहा हूं, 30 साल से सेम मेरा वर्क है कि रोज सुबह उठना पत्थर को धक्का मारना, बस अब मैं और नहीं कर सकता, आराम से सो जाता है। जब वो नेक्स्ट डे नहीं जाता धक्का मारने के लिए तो भगवान आते हैं उसके सपने में, कहते हैं भाई क्या बात है धक्का मारने नहीं गया। ये व्यक्ति कहता है भगवान 30 साल से धक्का मार रहा हूं, एक दो दिन नहीं एक दो साल नहीं, कितने सालों से 30 साल से धक्का मार रहा हूं, एक इंच नहीं पत्थर हिला। भगवान मुस्कुरा के कहते हैं मैंने बोला था हिलेगा, क्या ऑर्डर था, पुश इट। और यही हमें अपनी लाइफ में भी करना होता है। बैड सिचुएशंस लाइफ में आती हैं, ऐसे सिचुएशन में हमें पुश करना होता है। पुश का मतलब PUSH, प्रे अंटिल समथिंग happens। रिपीट कर सकते हैं आप? Yes, pray until something happens। अब जो बाकी मटेरियलिस्ट थे, जो मतलब जो बाकी फार्मर्स थे, जो खुशी की बात पे बहुत खुश हो जाते थे, दुख की बात पे बहुत दुखी हो जाते थे, इनकी सिचुएशन में कैसे हैं? फियर, एंग्जाइटी, डिप्रेशन, मेंटल स्टेटस जो था उनका ठीक नहीं चल रहा था। और हम सब जानते हैं कि जब हमें मन के साथ झुलसना पड़ता है, रोज संघर्ष करना पड़ता है स्टडीज करने के लिए। एक बार किसने मुझे बोला कि स्टडीज हम करते हैं ना
तो स्टडीज करते करते अगर हम स्पिरिचुअलिटी एक्सेप्ट कर लेते हैं तो हमारी जो स्टडीज है उसका परफॉर्मेंस कम हो जाता है, हमारा जो फोकस है वो रहता नहीं है हमारी स्टडीज के ऊपर। आप जानते हैं पूरे भारत में 0.01% लोग स्पिरिचुअलिटी में है, और माइंड की प्रॉब्लम किन सबको है? हर किसी को है। इसका मतलब क्या है कि स्पिरिचुअलिटी से ऐसा नहीं कि हमारे स्टूडेंट लाइफ का जो परफॉर्मेंस है वो कमजोर हो रहा है, ये बढ़ रहा है, लेकिन क्योंकि हम फोकस नहीं कर पा रहे इसलिए हम किसी ना किसी चीज पे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं। जैसे एक बार क्या हुआ कि एक व्यक्ति ना गड्ढा खोद रहा था जमीन पे, उसने गड्ढा खोदा जमीन पे और दूसरा उसका फ्रेंड आया उसने गड्ढा बंद कर दिया, फिर पहले वाला व्यक्ति आया उसने गड्ढा खोदा, दूसरे वाला आया उसने गड्ढा बंद कर दिया, एक व्यक्ति ना पीछे से खड़े हुए देख रहा था, वो कह रहे ये क्या नॉनसेंस है, क्या कर रहे हैं ये लोग। उनके पास जाता है और कहता है कि ये आप लोग क्या कर रहे हैं, एक गड्ढा खोदता है एक गड्ढा बंद करता है फिर वो गड्ढा खोदता है फिर वो गड्ढा बंद करता है, ये क्या तरीका क्या है। ये व्यक्ति बताता है कि हमारी तीन की टीम थी, पहला गड्ढा खोदता था, दूसरा बीज डालता था और तीसरा गड्ढे को बंद कर देता था। आज दूसरे वाला आया नहीं है लेकिन हम लोग सोच रहे हैं अपनी जिम्मेदारी तो पूरी करें। अभी क्या ये जिम्मेदारी वर्थ इट थी? नहीं। इसलिए हम भी क्या पर्पस भूल गए हैं। आज जैसे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट बहुत बढ़ता जा रहा है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के पीछे दो कारण थे, नंबर वन सेविंग टाइम, सेकंड कंफर्टेबल लिविंग, पर ये दोनों चीजें नहीं है हमारे पास। देखो रोड पे गाड़ी खड़ी होती है ना, भिखारी आता नॉक करता एक बार दो बार तीन बार, कहता टाइम वेस्ट नहीं करना इसके साथ, भिखारी के पास टाइम नहीं है उसके साथ ज्यादा वेस्ट करने के लिए, और जो अंदर बैठा उसके पास खोलने का टाइम नहीं है। मैं कुछ एक जगह गया था कहीं पर सेशन लेने के लिए, तो वहां पर एक बहुत प्यारा सा छोटा बच्चा था, हर कोई इस बच्चे की गाल खींचता था, कहता था बेटे क्या नाम है आपका, कौन से स्कूल में आप जाते हो, फिर अगला व्यक्ति आता था सेम चीज पूछता था बेटा क्या नाम है आपका कौन से स्कूल में जाते हो। ये बच्चा परेशान हो गया, बच्चा कहता है स्टॉप डिस्टर्बिंग मी एंड विजिट मी एट baby.com। उस बच्चे के पास टाइम नहीं है सबके क्वेश्चंस का बार बार आंसर देने के लिए, तो टाइम कहां है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट का मतलब क्या था? सेविंग टाइम, लेकिन समय हमारे पास नहीं है। सेकंड कंफर्टेबल लिविंग, अगर हम देखें ना आज जो लोग सोते हैं, और पहले किसी के पिताजी या दादाजी से पूछे कि वो कितना आराम से सोते थे, तो दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आज हमारे पास कुछ कंफर्टेबल लाइफस्टाइल तो है लेकिन कंफर्टेबल स्लीप नहीं है हमारे पास। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसा नहीं कि मटेरियल लाइफ हमें छोड़नी है, लेकिन मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ लाइफ है ये छोड़ना जरूरी है। जैसे एक बार एक लकड़ी की दुकान पे एक वुड कटर था, तो वो क्या करता था लकड़ी काटता था और बहुत अच्छी परफॉर्मेंस थी उसकी। थोड़े दिनों के बाद उन्होंने एक और व्यक्ति को हायर कर लिया जो क्या करने लगा, और अच्छी लकड़ी काटने लगा। तो अब नेचुरल सी बात है, देखो कोई व्यक्ति अगर पुराना काम कर रहा होता है और उसके सामने अगर नए वाले की सैलरी बढ़ जाए तो बहुत दुख लगता है उसको, अपनी खुशी से कोई मतलब नहीं होता, उसको मतलब होता है दूसरे के दुख से कि ये मेरे से आगे कैसे बढ़ गया। और यही आजकल हम देखते हैं होता भी है, लोग अच्छे खासे सो रहे होते हैं, दे आर वेरी हैप्पी, पता लगता है पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली है, अभी इनसे कोई मतलब नहीं था, इनसे उधार थोड़ी लिया था, लेकिन क्योंकि पड़ोसी ने नई गाड़ी खरीद ली ऐसे नींद आनी किनको बंद हो गई, इनको साथ वाले घर वालों को। अब ये जो वुड कटर था ना, इसने देखा कि मेरे सामने नए वाले व्यक्ति की सैलरी बढ़ गई और मेरी सैलरी कम है, ये बहुत ही परेशान था कि ऐसा क्या हो गया। मालिक के पास जाता है, मालिक से पूछता कि आपने ऐसा क्यों किया, बोला देखो ये नया व्यक्ति आया लेकिन इसकी परफॉर्मेंस आपसे अच्छी है। तो कहता ठीक है मैं और अच्छी परफॉर्मेंस दूंगा, और मेहनत करने लगा और मेहनत करने लगा और मेहनत करने लगा, परफॉर्मेंस अभी भी कम, बल्कि पहले की कंपैरेटिवली परफॉर्मेंस और कम हो गई इसकी। बहुत ही परेशान फ्रस्ट्रेटेड जाता है मालिक के पास कि सर मैंने बहुत कोशिश की
लेकिन इतने प्रयास करने के बाद भी मैं उससे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा, इसका क्या कारण है? मालिक कहता, देखो मैं नहीं बता सकता, आप उसी से जाके पूछो। तो ये पहले वाला व्यक्ति क्या करता है, दूसरे वाले लकड़ी काटने वाले के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या कारण है आप मेरे से अच्छा परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और बहुत सुंदर आंसर देता है वो कहता है कि मैंने आपको लकड़ी काटते हुए देखा है, आप कॉन्स्टेंटली लकड़ी काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। कहते मैं ऐसा नहीं करता, मैं 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, 10 मिनट कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाता हूं, फिर 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, फिर 10 मिनट कुल्हाड़ी के ऊपर धार लगाता हूं। अब हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में यही प्रॉब्लम है हमारे अंदर है। हम लोग क्या कर रहे हैं, अपनी डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हो गए हैं कि हमें खुश रहना है ये भूल गए हैं। हमारे लिए खुशी का मतलब सिर्फ अर्निंग मनी रह गया है और कोई खुशी का मतलब नहीं है हमारे लिए। और इस कारण से क्या है, हम कमजोर पड़ रहे हैं और हमें लगता है कि स्पिरिचुअलिटी हमें प्रोग्रेस करने से रोकती है। नहीं, अब देखिए श्री कृष्ण भगवत गीता में कितना सुंदर कह रहे हैं। भगवान भगवत गीता में अर्जुन कृष्ण को कह रहे हैं कि मैं युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा, क्यों युद्ध नहीं करोगे? बोला नहीं नहीं, मेरे सामने मेरे रिलेटिव्स हैं, मैं इनको नहीं मार सकता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं भीख मांग के जी लूंगा लेकिन मैं युद्ध नहीं कर सकता। एक्चुअली अर्जुन पता क्या कर रहे थे, अर्जुन ना एस्केप करने की कोशिश कर रहे थे जो प्रॉब्लम आ रही थी। और क्या भगवान ने उनको एस्केप करने दिया? नहीं। बहुत सुंदर स्टेटमेंट है संस्कृत की, श्री कृष्ण अर्जुन को कह रहे हैं माम अनुस्मरण युद्ध च। श्री कृष्ण कह रहे हैं मेरा स्मरण करो और युद्ध करो। इसका मतलब पता है क्या है? भगवान ने कभी भी मेटीरियल लाइफ रोकने के लिए नहीं बोला, लेकिन साथ में हमें क्या करना है, कॉन्स्टेंटली भगवान का नाम लेना है, चिंतन करना है। यस, हम इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम कमजोर पड़ जाते हैं, हम शेल्टरलेस हो जाते हैं, हमारे पास कोई आश्रय नहीं होता। जैसे कोई व्यक्ति डूब रहा है और डूबते हुए उसको अगर एक छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा मिल जाए तो उसको थोड़ा बैलेंस दे सके, वो छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा उसे हैप्पीनेस दे देता है। क्यों? इससे उसको सहारा मिला है। अभी आज हम डे टू डे लाइफ में इतने बिजी हैं कि हम अपनी लाइफ के ऊपर धार लगाना भूल गए हैं और हमें लगता है स्पिरिचुअलिटी से ना हमारी स्टडीज में डिस्ट्रैक्शन होगा। ऐसा कुछ नहीं है। जब डिस्ट्रैक्शन हमें होना होता है, अभी डिस्ट्रैक्शन होता है स्टडीज में? यस नो यस, कुछ लोग यस बोल रहे हैं, कुछ लोग सिर्फ मुस्कुरा रहे हैं, कह रहे समझ लो आपको दिया। डिस्ट्रैक्शन होता है, लेकिन देखिए अभी हम स्पिरिचुअलिटी में नहीं है फिर भी डिस्ट्रैक्शन होता है, इसका मतलब डिस्ट्रैक्शन का ना स्पिरिचुअलिटी से कोई लेन देन नहीं है। लेकिन जब हम स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन में लेके आते हैं, हम बैलेंस लाइफ जी सकते हैं। श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह नहीं बोला सब कुछ छोड़ दो अर्जुन और जाओ जंगल में तपस्या करो। नहीं, तुम भीख मांगना चाहते हो ना, मांगो मांगो भीख मांगो। भगवान ने बोला अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटी अच्छे से करनी है आपको। और बहुत सुंदर संस्कृत का श्लोक है, युक्त हार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। युक्त मींस बैलेंस, भगवान बैलेंस रखने के लिए कह रहे हैं। किस चीज में? युक्त आहार विहार कर्मसु, ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन एंड वर्क। भगवान कह रहे हैं इसमें बैलेंस रखो। तो बहुत सिंपल वर्ड्स में लाइफ में किसी भी चीज में हमें बैलेंस रखना बहुत जरूरी है हमारे लिए। अगर कोई व्यक्ति हेड स्टैंड करता है ना, उल्टा खड़ा होता है, उसको बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। इनफैक्ट जब हम चलना भी सीख रहे थे, हमारे लिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी था। हम साइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, हमारे लिए बैलेंस मेंटेन करना जरूरी होता है। आप में से कोई है जो गिटार वायलिन बजाते हैं? यस यस आई कैन सी। अब देखो जो स्ट्रिंग्स होती है ना, चाहे तानपुरा हो, वायलिन हो, गिटार हो, हमें पता होता है कि इसको कितना टाइट करना है। अगर हम इसको ओवर टाइट कर देंगे तो भी ठीक नहीं होगा, और लूज रहेगा तो भी ठीक नहीं होगा। एक बैलेंस टाइट करना बहुत जरूरी होता है। तो उसी प्रकार से स्पिरिचुअलिटी का मतलब मेटीरियल लाइफ को छोड़ना नहीं होता। हम मेटीरियल लाइफ के साथ साथ स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता का पालन बहुत अच्छे से कर सकते हैं। जैसे ट्रेन को चलने के लिए दोनों ट्रैक जरूरी हैं, एक ट्रैक पे ट्रेन नहीं चल सकती। हाँ, मे बी हो सकता है किसी बॉलीवुड मूवी में चल जाए ना? वैसे एक ट्रैक पे ट्रेन नहीं चल सकती,
ट्रेन को चलने के लिए दोनों ट्रैक जरूरी हैं, और उसी प्रकार से अगर हम सक्सेस चाहते हैं अपनी लाइफ में तो हमारे लिए दोनों ट्रैक जरूरी हैं, मेटीरियल और स्पिरिचुअल। तो बहुत ही सिंपल और कुछ स्टोरीज फॉर्म में मैंने इसलिए बताया आपको क्योंकि माइंड जो है हमारा बहुत ही फ्लिकरी और बहुत ही नॉटी है। देखो कई बार हम प्लान बनाते हैं कि पढ़ाई करेंगे अच्छे से, और पता लगता है आज इंडिया का मैच है, और ये पता लगता है इंडिया का मैच पाकिस्तान के साथ, और कल है पेपर, कहते हैं नहीं भाई पढ़ना है, सुन तू पढ़ना है, मन कहता है क्रिकेट पढ़ना है, क्रिकेट पढ़ना है, कहते चल एक बॉल देख ले। अब एक बॉल देखने जाते हैं, एक ओवर हो जाता है, एक ओवर देखते देखते दो पांच दस और लगता है 20-20 का पूरा निकल गया भाई। ये तो फ्लिकरी माइंड, हम मोबाइल निकालते हैं थोड़ा सा दो मिनट के लिए रेस्ट कर लेता हूं, 60 सेकंड की तो रील होती है भाई, 60 सेकंड तो है क्या है, 60 सेकंड में कुछ आ रहा तो कितना पढ़ लेगा, लेकिन 60 60 60 60 करते करते 2-3 घंटे कब बीत जाते हैं पता नहीं लगता, बिकॉज ऑफ माइंड। जिस चीज पे ध्यान रखना चाहिए वहां ध्यान दीजिए। आप जानते हैं माइंड का कंपैरिजन स्क्रिप्चर्स में किससे किया गया है, माइंड इज कंपेयर टू अ मंकी, एक बंदर के साथ। क्या ये बताने की जरूरत है कि बंदर कैसा होता है, कभी को देखा आपने बंदर आराम से बैठा हो एक जगह पर, नहीं, बंदर क्या नॉटी, एक दूसरे की तरफ इशारे मत कीजिए प्लीज। बंदर क्या है, नॉटी है, शरारती है, एक टहनी से दूसरी टहनी पे कूदेगा, दूसरी से तीसरी पे कूदेगा, लेकिन इससे माइंड को कंपेयर नहीं किया गया, माइंड को ऐसे बंदर के साथ कंपेयर किया गया जिसे शराब पिला दी गई है। अभी सोच सकते हैं वो कितना नॉटी हो चुका होगा, ऐसा बंदर जो अपने आप में बंदर बहुत नॉटी है उसको शराब पिला दी गई है, और साथ ही उसे एक बिच्छू ने भी काट लिया है। अभी सोचिए कितनी पागलपन की हद पे होगा, ऐसा बंदर जो बहुत ही शरारती है, जिसे शराब पिला दी गई है, जिसे बिच्छू ने काट लिया है और जिसके ऊपर भूत चढ़ गया है, ऐसा जो शरारती बंदर है वो हमारा माइंड है, और इस माइंड को ट्यूनिंग करने का तरीका स्पिरिचुअलिटी है। तो इसलिए जैसे उस वुड कटर ने बताया, उस लकड़हार ने बताया कि मैं 50 मिनट लकड़ी काटता हूं, 10 मिनट धार लगाता हूं, उसी प्रकार से जितने भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी लोग क्यों नहीं है, अगर वो चाहते कि माइंड से वो स्टेबल हो पाए, अगर वो चाहते कि लाइफ के हर मोमेंट में वो हैप्पी रह सके, चाहे वो गुड मोमेंट्स हो या बैड मोमेंट्स हो, और बैड मोमेंट्स देखो लाइफ में जरूर आएंगे, चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर आएंगे, इसलिए हमें अपनी डे टू डे एक्टिविटीज के साथ, अपनी प्रिस्क्राइब ड्यूटीज के साथ स्पिरिचुअलिटी को ऐड कर लेना। इसलिए स्पिरिचुअलिटी का मतलब कुछ छोड़ना नहीं है, स्पिरिचुअलिटी का मतलब स्पिरिचुअल लाइफ को जोड़ना है, छोड़ना कुछ नहीं है। ओके, थैंक यू, हरे कृष्ण।